रंग चेंज करने से पहले ये ऊपर का रिजर्वर टैंक का कैप खोलिए, पूरी तरीके से खोल के निकल के साइड में रखिए, क्योंकि यहाँ से एयर ना पकड़े कूलेंट छोड़ते समय। उसके बाद में जो है वो गाड़ी रैम के ऊपर लीजिए, ऊपर ले लीजिए। तो वेट करेंगे थोड़ी देर के लिए, गाड़ी ऊपर जा रहा है तब तक। उसके बाद में गाड़ी के अंडर बॉडी के नीचे आ जाइए। उसके बाद में यहाँ पर रेडिएटर के यहाँ पर जो कैप है उसको लूज़ करके लीजिए। लूज़ करने के बाद उसको पूरी तरीके से बाहर मत निकालिए, जगह पे थोड़ी थोड़ा सा लूज़ कर लीजिए। जहाँ तक कूलर गिरता है वहाँ तक लूज़ कर लीजिए। और कूलर जो है कूलेंट टैंक में छोड़ दीजिए। याद रखिए दोस्तों, जब पूरा कूलेंट ड्रेन करना है, उसके बाद में जो ड्रेन किया हुआ कूलेंट है पूरा ड्रेन करना है। ड्रेन करते जाइए। ये जो है सिर्फ न्यू डिज़ायर, उसके प्रोसेस है कूलेंट चेंज करने की। चेंज करते जाइए, चेंज करते जाइए। कूलेंट डालने से जो कूलेंट फिर से डालते हैं उस समय ये ध्यान रखिए, कूलेंट एकदम हल्के से डालना है, फटाफट नहीं डालना है कूलर। कूलर जो है एकदम हल्के से, क्योंकि एयर ना पकड़े। और कूलर डालने के बाद ये ध्यान रखिए, गाड़ी आपका आधा आधा घंटा तक 30 मिनट तक गाड़ी चालू रखिए, क्योंकि कूलर का जो एयर है वो निकल जाए। और उसके बाद में कूलर लेवल कम होने के बाद डी वाटर डाल दीजिए और कैप लगा दीजिए। बस इतना ही प्रोसेस है। और कोई वीडियो चाहिए रहेगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और आपको पसंद आए और नए नए वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।